नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। तीन राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों के लिए कल हुए मतदान के बाद देर रात चुनाव के रिजल्ट भी आ गए, जहां हिमाचल प्रदेश के एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया और ये जीत चौंकाने वाला था। कांग्रेस को बहुमत होने के बावजूद वहां पे बीजेपी जीत गई है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों में से 8 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। जहां कर्नाटक में बीजेपी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए हैं, वहीं हिमाचल में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को जिताया है, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कम से कम 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को वोट दिया। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में तो ठीक, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार पर संकट मंडराता दिख रहा है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद ही वर्तमान सीएम शिंदे ने बगावत करके वहां पे सत्ता हस्तांतरित करने में कामयाबी हासिल की थी, ठीक उसी प्रकार हिमाचल की भी स्थिति बनती नजर आ रही है। होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज एक बार फिर से किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 2,000 रुपए। बता दें कि केंद्र सरकार हर साल गरीब किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेजती है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। बता दें कि इससे पूर्व भी राहुल गांधी ने यहां पर भाषण दिया था, जिसके बाद भारत की राजनीति में काफी हंगामा हुआ था और उनकी आलोचना भी हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड की राजधानी रांची जाएंगी, जहां वे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। वहीं सुरक्षा को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से केंद्रीय विश्वविद्यालय मनातू तक जाने वाले रास्ते को नो फ्लाइंग जोन में घोषित किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार के दरभंगा पहुंचेंगे। इस दौरान वे यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सिंह के दौरे को देखते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पृथक मिथिला राज्य निर्माण का ज्ञापन सौंपने का प्रशासन से अनुरोध किया है। आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस अवसर पर यह दिन सतत भविष्य के लिए विज्ञान थीम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इन्फेक्ट की खोज की थी, जिसके चलते वर्ष 1987 से प्रतिवर्ष इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के विरुद्ध डूंगरपुर के एक मामले में अंतिम बहस शुरू हो गई है, जिस पर आज भी सुनवाई होगी। डूंगरपुर प्रकरण सपा शासन काल का है, जब पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। यहां पहले से कुछ लोगों के मकान थे, जिन्हें सरकारी जमीन बताकर वर्ष 2016 में बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के उप सचिव के कर्तव्यों का पालन करने वाली वरिष्ठ अधिकारी क्रिस्टी केनेग्लो US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत पहुंच गई है। यह आयोजन आज होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में आज मैराथन बैठक करेगी, जहां भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आहूत इन मैराथन बैठक में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन चुनाव के मद्देनजर अब तक के कार्य की प्रगति समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर शादी करने जा रहा था, जहां मंडप में डाला में चढ़ाई गई साड़ी और जेवर देखकर दुल्हन के परिजनों को कुछ शक हुआ और उनकी दूल्हे से कहा सुनी हो गई। इस बीच लड़की के परिजनों ने दूल्हे का बाल पकड़ लिया, जिसके बाद दूल्हे का बिग हाथ में आ गया। दूल्हे के सिर पर कम बाल देखकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, जबकि लड़का लड़की प्रेम प्रसंग में पहले से ही थे। वहीं पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पता चला कि दूल्हे का नाम तबरेज आलम और पिता का नाम
नाम सगीर व भाई जावेद नाम का है, जो मथौली बाजार थाना कप्तानगंज का रहने वाला है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार के नाम और काम के सहारे तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक गाड़ी खींच रहे हैं। राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो उन्हें बताना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं को शिक्षा विभाग में 50% तथा सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिला है, लेकिन लालू और राबड़ी के शासन काल में यह मिलता था क्या? आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी दिल्ली के बाकी 3 उम्मीदवारों की घोषणा जल्द कर सकती है, जहां पार्टी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली को उत्तर पूर्वी दिल्ली से या दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दे सकती है, जबकि चांदनी चौक सीट से अलका लांबा या जयप्रकाश अग्रवाल को उतारा जा सकता है। वहीं पूर्व सांसद उदित राज और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान में से किसी को उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महावल मिश्रा, दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया है। भटिंडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथी चड्डा को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर काला राणा का साथी दिल्ली एयरपोर्ट से हुआ गिरफ्तार, जहरीली शराब कांड में जारी हुआ था नोटिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया, जहां वित्त मंत्री के अनुसार इस साल का बजट राज्य के किसानों, गरीबों और युवा महिलाओं के नाम है। विश्व हिंदू परिषद के झारखंड अध्यक्ष बने चंद्रकांत रायपत, वहीं मिथिलेश्वर मिश्र को बनाया गया प्रांत मंत्री। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार को NDMC के SP3 स्क्रीनिंग प्लांट में चट्टान धस गई, हादसे में कई मजदूर दब गए, वहीं अब तक 2 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मौत की संख्या बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर कल चुनाव हुआ, जहां मतगणना देर रात तक चलता रहा, वहीं चुनाव के दौरान दिन भर घमासान मचा रहा। बताया जा रहा है कि सुक्खू सरकार में कई सारे कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिस कारण BJP की जीत हो सकती है। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संगठन बताते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। बता दें कि इस संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा करने की घटना को शर्मनाक करार देते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर BJP में शामिल हुए मराठवाड़ा के बड़े चेहरे माने जाने वाले बसवराज पाटिल, BJP अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में ली BJP की सदस्यता। अहमदाबाद के ढोकला में डंपर और बेलोरो के बीच हुई टक्कर हादसे में 5 लोगों की गई जान, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अलवर जिले में एक निजी अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर में एक अपहरण के मामले में घर के सामने से अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने जाल बिछाकर युवक को किया गिरफ्तार और भेज दिया जेल। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुनील कुमार पाथीपाका, गीता अनुरागी, वशिष्ठ तिवारी, विशाल सिंह, मेदीलाल मौर्य, सुनील कुमार पाथीपाका, नवरत्न सिंह, सुल्तान अंसारी, चंद्रजीत, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, सत्येंद्र शाह, करुणा चक्रवर्ती, सुनील कुमार पाथीपाका, दीपक अहिरवार, यूजर DV9, सतीश चौबे, शिल्पी बेग बैनर्जी, अशोक परमार, काजल कुमार गांगली, संजय पाल, किरण मेहंदी आर्ट, शिवाजी पटेल,
रक्षा आर्या, वेणुगोपाल आर, निरंजन जोशी, राजेंद्र केलबा, भारत सिंह, केपी तिवारी, रणधीर सिंह, राजेश रॉय, अरुण दांगे, प्रवीण कलिता, दीनाबंधु कलसाई, बनवारी लाल स्वामी, खेमहोम थापा, गौतम महतो, सत्येंद्र साह, बलेंदु शर्मा, नंदराम मौर्य, अशोक आर्या, भवन यादव, मुकुंद भट्ट, जितेंद्र साहनी, बलवंत सिंह गिल, प्रहलाद पंडित, अयोध्या प्रसाद राठौर, परशुराम, अंबुज न्यूज 24, मुकुंद भट्ट, एमडी मुमताज, सुनील कुमार पाथीपाका, अशोक बवेजा, राजेंद्र केलवा, वीरेंद्र साह, बंटी हजारिका, उपेंद्र, चंद्रिका सिंह और अंसारी रशीद। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।